साउथ अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में सीमा विवाद पर बात की थी, जिसकी जानकारी इस साल दी गई है। दूसरी तरफ ब्रिक्स संगठन से जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया है। इसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन देशों को संगठन के मेंबर बनने का आमंत्रण दिया गया है। साउथ अफ्रीका में साइन हुए ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में ब्राज़ील, भारत और साउथ अफ्रीका की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की मांग की गई। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी ने इथियोपिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया है। हमारा मानना है कि ब्रिक्स द्वारा इन मुद्दों पर विशेष महत्व दिए जाना वर्तमान समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। अफ्रीका की भूमि पर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और पीसफुल रेजिस्टेंस जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं को विकसित किया, परखा और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इस्तेमाल किया। उनकी सोच और विचारों ने नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को प्रेरित किया। इतिहास के इस मजबूत आधार पर हम अपने आधुनिक संबंधों को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं।